नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बदनाश फटाफट कुकिंग शो में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फिश मसाला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिश को मैरिनेट करते हैं। फिश में डालते हैं हम लोग लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और हाफ नींबू का रस। इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। मसाला की कोटिंग अच्छे से फिश के ऊपर कर देंगे। फिश के ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो गई है। इसको हम हाफ एन आवर के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। आइए फ्राइंग पैन को हीट करते हैं। इसमें डालते हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑयल हीट हो चुका है, इसमें डालते हैं फिश के पीसेस को। हाफ एन आवर मैरिनेशन करने से ये मसाला अच्छी तरह से फिश में मिल जाता है। फिश को आइए दूसरी तरफ पलट देते हैं। ये फिश हमारा फ्राई हो चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हम लोग इसका मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े साइज का प्याज है, स्लाइस कटा हुआ है। इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, अदरक, मसाले के हिसाब से ही नमक डालना है क्योंकि फिश में ऑलरेडी नमक है। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, उन सबको हमें थोड़ी देर तक भूनना है। ये मसाला भून गया है, इसमें डालेंगे एक टमाटर, क्यूब में कटा हुआ है। टमाटर को भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, इसमें डालेंगे टमाटो केचप,
ये हमारा मसाला रेडी हो गया है, इसमें डालेंगे जो हमने ये फिश को फ्राई किया है। इसे बहुत हल्के हाथ से चलाना है, नहीं तो ये फिश टूट जाएगा। ये हमारा फिश मसाला बनकर तैयार है, आइए इसे सर्व करते हैं। इसे धनिया पत्ते से गार्निश कर देते हैं। फिश मसाला बनाना बहुत ही आसान है। इस डिश को एक बार अपने घर में आप जरूर ट्राई करें, और अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।